माइक बढ़ा लो, आप आगे बढ़ सकते हैं। सबसे पहले मैं तुलसी मेरे फाउंडेशन का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ अवसर दिया और यहाँ पे अपना प्रस्तुत करने के लिए। तो जो यहाँ पे कलाकार बैठे हैं उनके लिए दो शब्द पहले से इंस्ट्रक्ट करूँगा कि तालीम नहीं दी जाती है परिंदों को, कि तालीम नहीं दी जाती है परिंदों को, वो खुद तय करते हैं ऊंचाई आसमानों को। जो रखते हैं हौसला आसमान छूने का, वो कभी परवाह नहीं करते जमीन पर गिर जाने की। तो ये मेरा अप्रोक्स 7 या 8 ओपन माइक है। तो जो सबसे पहला मेरा ओपन माइक था वो मैं IIT कानपुर में था, तो वहाँ पे एक इवेंट चल रहा था टैलेंट हंट, तो वहाँ पे गया था। तो वहाँ पे पूरा ऑडिटोरियम भरा हुआ था। तो जब जैसे ही लोग फर्स्ट टाइम गया होगा तो उसे फर्स्ट टाइम हेजिटेशन लगा होगा, तो मुझे भी था। मैंने हेजिटेशन को अपनी रचना में बदला, वो रचना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। कि सोचा तो सोचा ना था कुछ भी लिखूंगा अब मैं कलम से, सोचा ना था कुछ भी लिखूंगा अब मैं कलम से, पर तकल्लुफ फिर हो गई है कलम से। बहुत खौफ ज्यादा था, बहुत खौफ ज्यादा था मैं खुद से व माहौल से, पर जाने क्यों मजा मुझे बहुत आ रहा था उस माहौल से। इबादत तो की थी मैंने खुदा से मंच पर चढ़ने से पहले, इबादत तो की थी मैंने खुदा से मंच पर चढ़ने से पहले, पर ना जाने क्यों सबकी नजरों में फिर भी उतर गया। सोचा ना था कुछ भी पर लिखूंगा फिर भी अब कलम से। तो उसके बाद परफॉर्मेंस हुई तो कुछ अच्छा था रिव्यू। तो उसके बाद जो परफॉर्मेंस उस पर कुछ था कि उम्मीद ना थी कि यूँ उभर कर आऊंगा मैं, लेकिन ना जाने क्यों यारों ने गम भर दिए। कि उम्मीद ना थी कि यूँ उभर कर आऊंगा मैं, पर ना जाने क्यों यारों ने गम भर दिए थे। अब तकल्लुफ दूंगा मैं अपनी कलम को अपने जहन को, अब तकल्लुफ दूंगा मैं अपनी कलम को अपने जहन को, और लिखूंगा मैं अपने कथन को अपने जहन के लिए। सोचा ना था लिखूंगा कुछ अब भी, पर फिर भी तकल्लुफ हो गई है कलम से। तो ये तो कुछ उसका था ओपन माइक प्रीवियस का। अब मेन पोएट्री पे आते हैं। तो मेन पोएट्री का थीम ये है, एक बच्चा होता है वो उसकी मदर एक्सपायर हो जाती है, तो उसकी पोएट्री है कुछ कि माँ मुझे पहचान देकर तू कहाँ खो गई। तो स्टार्ट करते हैं। माँ मुझे पहचान देकर तू कहाँ खो गई, माँ मुझे पहचान देकर तू कहाँ खो गई, तुझे याद कर आज आके फिर से रो गई। जो रात भर जाकर आंचल में तू मुझे सुलाती थी, अब हमें रात भर जाकर ना जाने तू कैसी सी गहरी नींद में तू सो गई। माँ मुझे पहचान देकर तू कहाँ खो गई, तुझे याद कर आज आके फिर से रो गई। दिए की रोशनी की तरह रोशन किया था मुझे, पर तेरे जाने से ना जाने क्यों उस दिए की लो गई। दिए की रोशनी की तरह रोशन किया था मुझे, पर ना जाने मां तेरे चलाए सूझ दिए की लो गई। ना जाने कितने पाप कमा लिए मैंने अनजाने में पर, ना जाने कितने पाप कमा लिए मैंने अनजाने में पर, मां तो अपने प्यार और तपस्या सब मेरे पाप हो गई। मां मुझे पहचान देकर तू कहां खो गई, तुझे याद कर आज आके फिर से रो गई। तेरा प्यार माँ तेरा प्यार और तेरा स्नेह अभी भी दौड़ता है रूह में मेरी, जो तू अपने हाथों से खिलाकर ममता का बीज मुझ में बो गई। अब जब तू दिखती नहीं है पर तेरे होने का एहसास अभी भी होता है मुझे। साथ तो सबका छूटा लगता है जब से मुझे छोड़कर तू चली। अब लौट कर आजा माँ, बैठा हूँ आज भी इंतजार में तेरे, ना जाने तेरे बिना मेरे लवों की ऐसी कहाँ खो गई। माँ मुझे पहचान देकर तू कहाँ खो गई, तुझे याद कर आज आके फिर से रो। तब मैं रोता था तो तू आंसू पोंछ दिया करती थी। अब जब दुनिया रुलाने में लगी है पर कोई आंसू पोंछने वाला नहीं है माँ, तब मैं डरता था तो तुम्हारे आंचल में चुप जाया करता था। आज तुम्हारी साड़ी को गले से लगाकर खुद को महफूज समझता हूँ। तब तुम्हारी गोद में सुकून मिलता था, माँ की गोद में हमेशा सबको सुकून मिलता है, बचपन में सबने एक्सपीरियंस करा होगा। तब तुम्हारी गोद में
खोज में दर बदर भटकता हूँ। तब तुम घूम घूम कर मुझे जबरदस्ती खाना खिलाया करती थी। अब कोई खाना खा लो पूछने वाला नहीं है। इस अनजान दुनिया में बस तुम ही थी मेरा। अब जब तुम नहीं तो कोई नहीं है। तब तुम मुझे लोहिया सुना कर सुलाती थी। अब मैं रोते रोते सो जाया करता हूँ। तब तुम मेरा सहारा बनती थी हर वक्त हर समय। तब तुम मेरा सहारा बनती थी हर वक्त हर समय। अब मैं जब गिरा हूँ तो कोई उठाने वाला नहीं है मां। तब हर वक्त मैं तुमसे लड़ा करता था। तब हर वक्त मैं तुमसे लड़ा करता था कि मुझे ये चाहिए मुझे वो चाहिए। बस बहुत हुआ बस बहुत हुआ मुझे कुछ नहीं चाहिए बस तुम चाहिए। अब जब तुम नहीं हो तो कुछ नहीं है। जब तुम साथ थी तो सब कुछ था। माँ मुझे पहचान देकर तू कहाँ खो गई तुझे याद कर आ जाके फिर से हो। और ये पोएट्री किसी और की नहीं मेरी खुद की है।